नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। 25 क्वेश्चंस आपके हैं और आज जिस पेपर को हम डिस्कस करेंगे वो आपका 4 जुलाई का 2019 का सेकेंड शिफ्ट का आपका क्वेश्चन पेपर है, SSC CHSL का आपका क्वेश्चन पेपर है। और चलिए सीधा बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर वन पर। और क्वेश्चन नंबर वन हमारा जो है जंबल्ड सेंटेंस का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये हमारा जो है रीअरेंजमेंट्स, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसकी ट्रिक, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चंस में आप लोगों को बताया था कि इसकी ट्रिक जो है वो एक ही है कि सबसे पहले आप क्या करो, इसका स्टार्टर निकालो भाई, इसमें ये पता करो कि सेंटेंस की शुरुआत कैसे होती है, ठीक है, कौन से आपके इस सेंटेंस से पूरे के पूरे पैसेज की शुरुआत होगी, ठीक, स्टार्टर देखना है। और ये स्टार्टर के बाद जो है आपको क्या करना है, पेयरिंग करना है भाई, आपको ये देखना है कि कौन से दो पॉइंट जो है आपके उसका बराबर पेयर बन रहा है, वो एक दूसरे के आगे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, तो ये हमारा पॉइंट है, चलिए इसको हम देखते हैं। ए वाला पॉइंट क्या है, दे हैड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिटी, किसकी बात हो रही है, उनकी बात हो रही है कि वो लोग जो है वो आए हुए हैं कहाँ से, वो आए हुए थे कहाँ से, शहर के अलग अलग हिस्सों से। अब मुझे बताओ कि दे कौन है, इस दे की हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रनाउन, है ना। तो जब इसकी इंफॉर्मेशन ही नहीं है, मतलब इसके पहले कोई वाक्य होगा जिसमें इसके बारे में बोला होगा, मतलब ए आपका स्टार्टर नहीं है दोस्तों, ए आपका स्टार्टर नहीं है। देखो कितने आसानी से हमने जो है दो पॉइंट को क्रॉस कर दिया, हटा दिया, अब हमारे पास स्टार्टर भी पता चल गया, ठीक है ना, स्टार्टर हमको पता चल गया, बी हमारा स्टार्टर हो गया, ठीक है, बी से हम सेंटेंस की स्टार्टिंग करेंगे। अब हम लोग पेयरिंग देखेंगे, या तो आपका बी ए होगा या फिर बी डी होगा, ठीक। चलिए तो देख लेते हैं, बी ए होगा या फिर आपका बी डी होगा, पहले हम लोग बी और ए को देखते हैं। देखो बी में क्या लिखा है, मेन टॉल एंड स्किनी शॉर्ट एंड फैट गैदर्ड इन दुबई, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कुछ लोगों की बात हो रही है ना, मैन, मैन मतलब बहुत सारे मैन, है ना, MEN आया मतलब एक से ज़्यादा मैन, है ना, वो कैसे थे, वो टॉल भी थे और स्किनी मतलब दुबले पतले थे, शॉर्ट भी थे और फैट भी थे, मतलब हर प्रकार के लोग जो है, अलग अलग कद काठी के शेप के जो लोग हैं वो क्या हुए, इकट्ठे हुए कहाँ पर, दुबई में, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कि इसके बाद ये होगा क्या, दे हैड कम फ्रॉम, अब देखो दे कौन है, किसकी बात हो रही है, लोगों की बात हो रही है, लोग क्या है, मैन आपका क्या है, यहाँ पर प्लूरल नाउन है, और ये हमारा प्रोनाउन जो है ये भी प्लूरल प्रोनाउन है, इसका मतलब ये पेयरिंग हो सकती है, ठीक है ना, बी और ए की पेयरिंग हो सकती है, क्योंकि मैन यहाँ पर मैन की बात हो रही है और यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो जो लोग हैं वो कहाँ से आए हुए हैं, वो अलग अलग पार्ट ऑफ सिटी से आए हुए हैं, ठीक है, मतलब बी और ए की आपकी पेयरिंग बिल्कुल बराबर जा रही है, लेकिन ठीक, पहले हम लोग अब एक बार इसको कंफर्म कर लें कि बी डी का पेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, कई बार ऐसा होता है कि दो दो का पेयरिंग है तो पूरा श्योर होना पड़ता है। चलिए तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि मैन जो कि टॉल है, स्किनी है, शॉर्ट है, फैट है, वो इकट्ठे हुए सारे कहाँ, दुबई में। अब बट लेकिन ऑल ऑफ देम हैड वन थिंग इन कॉमन, अच्छा देखो ट्विस्ट हो गया, ऐसा लग रहा है ये भी आपका पेयरिंग है, देखो लेकिन सबके सब जो है, ऑल ऑफ देम, जितने भी वहां पे इकट्ठे हुए थे, एक चीज उनके अंदर कॉमन थी भाई, इनके अंदर ऐसी क्या कॉमन चीज थी। अब आप देखो कि बीडी का भी पेयरिंग हो रहा है ना, अब मजेदार चीज क्या है कि अब हमको देखना है कि क्या हमारा ए के बाद डी आएगा या फिर डी के बाद ए आएगा, ये हमारा डिसीजन हो जाएगा, डिसाइड कर देगा कि कौन सा हमारा आंसर राइट है। लेकिन दोस्तों इस तरह के ट्विस्टिंग क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना, अब बताओ ए डी होगा या ए, आपका एक पेयरिंग आपको देखना है ए डी का और दूसरा जो पेयरिंग है आपको देखना है डीए का। चलिए डी तो मैंने पढ़ दिया है ना, डी क्या है हमारा, अच्छा ए क्या लिखा है,
दे हैड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिटी, कि भाई ये लोग जो है बहुत अलग अलग पार्ट ऑफ सिटी से आए हुए हैं। अब देखो ये लोग अलग अलग सिटी से आए हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंट पार्ट है ना, अलग अलग शहर से आए हैं, अलग अलग शहर से मतलब ये सेपरेशन की बात हो रही है, अलग अलग होने की बात हो रही है, ठीक है ना। मतलब ये आप मान लो एक नेगेटिव सेंस में है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, बट का दोस्तों मैंने आपको एक रूल बताया था कि बट क्या करता है अपने साथ हमेशा, जैसे बट लिखा है मान लो, है ना, बट का एक बहुत बढ़िया एक वो होता है कि अगर यहाँ बट के इस साइड अगर सपोज कोई पॉजिटिव सेंस का आपका सेंटेंस है तो जस्ट उसके अपोजिट साइड जो है नेगेटिव सेंस का हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर बट के पहले यहाँ पर नेगेटिव सेंस में कोई बात कही गई है तो इस साइड जो है वही चीज़ जो है पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। अब आप अगर ध्यान से देखोगे ये बट है और हम लोग देख रहे हैं कि एडी का पेयरिंग होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि उन वो जो है अलग अलग पार्ट्स के सिटी शहर के जो है अलग अलग हिस्से से वो लोग आए हुए हैं, मतलब एक तरह से सेपरेशन की बात हो रही, सब लोग भिन्न भिन्न शहर से आए, अलग अलग जगह से आए, लेकिन यहाँ पर देखो सब ऑल ऑफ देम सब के सब जो है उनके अंदर एक चीज़ कॉमन है, ठीक है ना, एक चीज के कॉमन है, मतलब यहां अलग होने की बात हो रही है और यहां कॉमन करने की बात हो रही है। इसका क्या मतलब है कि ए और डी का आपका पेयरिंग है, डी और ए का आपका पेयरिंग नहीं है, ठीक है ना। ए डी का आपका पेयरिंग है, इसका मतलब ए वाला आपका राइट आंसर है और बी वाला जो है आपका रॉन्ग आंसर हो गया दोस्तों, क्लियर। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। चलिए आप पूरा पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहां पर मैन हो गया, टॉल स्किनी हो गया, शॉर्ट या फैट हो गया, ये सब के सब इकट्ठे हुए कहां पर, दुबई में। और उसके बाद जो है दे हैड कम, वो कहां से आए हुए, अलग अलग पार्ट से आए हैं शहर के। और उसके बाद लेकिन ऑल ऑफ देम सब के सब में जो है एक चीज जो है वो कॉमन थी, और वो क्या कॉमन थी कि दे वर ऑल नेम्ड मोहम्मद, कि सबका सब जितने भी लोग आए हुए थे सबका जो नाम था वो क्या था, मोहम्मद। तो ये चीज उसकी कॉमन थी। देखो आप डी और सी इसका भी आपका पेयर बन रहा है, ठीक है, डी सी का भी पेयर बन रहा है और ए डी का भी पेयर बन रहा है, मतलब ये आपका एब्सोल्यूटली करेक्ट हो गया, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये हमारा जो क्वेश्चन है एरर का आपका क्वेश्चन है। देखो यहां से यहां तक आपका एक सेंटेंस है, पढ़ते हैं। द एम्बुलेंस हैव अराइव्ड ऑन टाइम, द एक्सीडेंट विक्टिम वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल। तो यहां पर जो है देखो द एम्बुलेंस हैव अराइव्ड ऑन टाइम, एम्बुलेंस जो है वो समय पर आ गई, ठीक है, एम्बुलेंस जो है वो समय पर आ गई। द एक्सीडेंट विक्टिम वॉज टेकन टू द हॉस्पिटल, की जो एक्सीडेंट का सबसे पहले देखो एम्बुलेंस जो है वो कब आ गई, समय पर आ गई, ठीक। एक्सीडेंट विक्टिम मतलब जो एक्सीडेंट में जो घायल हुआ है पेशेंट है वो कहाँ ले जाया गया, वो ले जाया गया हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर जो है हमारा एक रूल है, ठीक है ना, रूल आपका किसका है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, ठीक है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसको हम लोग सिंटैक्स का रूल कहते हैं। और इस रूल में जो कि बड़ा इजी रूल है, अगर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपका जो वर्ब है वो भी क्या होगा, वर्ब भी आपका जो है सिंगुलर होगा। और उसी प्रकार से अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल है उस कंडीशन में वर्ब भी हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, बस सिंपल ये है आपका रूल। और इधर आप देखो क्या लिखा है, द एम्बुलेंस, भाई द एम्बुलेंस क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही एम्बुलेंस की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, बहुत सारी एम्बुलेंस की बात नहीं हो रही है, तो ये हैव नहीं आने वाला, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, ये हमारा एरर आ गया। मतलब यहाँ पर बी वाले जो सेक्शन है उसके अंदर हमारा एरर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि वापस एरर का क्वेश्चन है, क्या लिखा है, द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट टू इनॉग्रेट द स्पोर्ट्स मीट, ठीक है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड टू द चीफ गेस्ट, है ना, प्रिंसिपल जो है उन्होंने एक अनुग्रह किया या आग्रह किया, किससे आग्रह किया, चीफ गेस्ट से आग्रह किया
टू इनोग्रेट, कि वो इनोग्रेट करे आके, है ना, इनोग्रेट करे, उद्घाटन करे किसका, ये जो स्पोर्ट्स इवेंट है, स्पोर्ट्स मीट है, उसका उद्घाटन करे। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब रिक्वेस्टेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो गया, मतलब ये आपका जो है सेंटेंस सिंपल पास्ट में चल रहा है, ठीक है ना। इसका थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट भी क्लियर करते चलते हैं कि ये वाक्य हमारा जो है ये सिंपल पास्ट में चल रहा है, सब्जेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस तरह से हमारा ये सेंटेंस चल रहा है। अब आप देखो रिक्वेस्टेड टू द गेस्ट, आप मुझे बताओ कि क्या ये टू लगाने की यहाँ पर आवश्यकता है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे टू जो है, टू इज सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड, इसकी कोई जरूरत, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बिना टू के भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, कंप्लीट होगा। द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल ने किसको रिक्वेस्ट किया, है ना, रिक्वेस्ट करना मतलब किसी को करना, ऑलरेडी इसके अंदर के आ जाता है, रिक्वेस्टेड में को शब्द पहले से ही आ जाता है, तो भाई प्रिंसिपल ने किसको रिक्वेस्ट किया, चीफ गेस्ट को रिक्वेस्ट किया, वो आए टू इनोग्रेट, टू इनोग्रेट द स्पोर्ट मीट, ठीक। तो टू यहाँ पे, यहाँ पर हमारा टू नहीं आने वाला है, ठीक। इसमें एरर मतलब सी वाला जो पोर्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए तो ये आपका है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, जो कि वापस आपका रीअरेंजमेंट, ठीक है ना, रीअरेंजमेंट का आपका ये क्वेश्चन है, और इसमें वापस मैं बताऊंगा कि आप स्टार्टर और पेयर, बस दो चीजें याद रख लो, स्टार्टर पेयर, ठीक है, स्टार्टर पेयर। इस तरीके से देखो क्या लिखा है, प्रैक्टिसिंग हार्ड, मतलब बहुत अधिक मेहनत करने पर, है ना, करने पर। यहाँ पे प्रैक्टिसिंग हार्ड का मतलब क्या होता है, मेहनत, बिल्कुल इसी तरीके से मेहनत करने पर, ठीक है, मेहनत करने पर या प्रयत्न करने पर या कोशिश करने पर, यहाँ पे हाँ कोशिश या प्रयत्न करने पर, क्या, शी होप्ड टू विन, है ना, शी होप्ड टू विन एन ओलंपिक मेडल समडे, की इस तरह से जब वो हार्ड वो प्रैक्टिस करेगी तो उसको एक उम्मीद है कि वो क्या करने वाली है, ओलंपिक मेडल किसी दिन ओलंपिक मेडल वो जीतने वाली है। अब यहाँ पे कौन है ये शी, अब शी कोई गर्ल है लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है भाई, ये तो प्रनाउन है, अब जाहिर सी बात है इसके बारे में पीछे कोई बात की होगी, मतलब ए हमारा स्टार्टर नहीं होगा, ए से हम जो है हमारे पैसेज की स्टार्टिंग नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं करने वाले, क्योंकि शी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हो गई भाई, जाहिर सी बात है अगर पूरा पैसेज अपन पढ़ेंगे चार चार सेंटेंस का, तो शुरुआत वैसा होना चाहिए जिसमें शी की पूरी जानकारी हो, यहाँ पे शी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आ रही, मतलब ए आपका स्टार्टर नहीं है, ये ए वाला जो पॉइंट है आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब देखते हैं, देखो एज शी स्पेड डाउन द स्लोप शी हैड अ टेरिबल एक्सीडेंट, कि जैसे ही वो स्पेड डाउन द स्लोप, मतलब वो स्लोप से ऐसे नीचे गुजरने लगी, या उससे जो स्पोर्ट्स में जो पार्टिसिपेट कर रही थी उससे जैसे ही फिसलने लगी, तो क्या हुआ कि शी हैड अ टेरिबल एक्सीडेंट, बहुत ही भयानक उसको क्या हुआ, उसका एक एक्सीडेंट हुआ। लेकिन वापस क्या है, ये शी है, और शी हमारा क्या है, प्रनाउन है भाई, इसकी अब इसका कोई नाउन भी होगा, ठीक है, इसके बारे में जो कुछ इंफॉर्मेशन होगी, मतलब बी हमारा स्टार्टर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका नाउन कुछ होना चाहिए, बी हमारा स्टार्टर नहीं है, मतलब स्टार्टर मिल गया दोस्तों, ठीक, स्टार्टर हमको मिल गया, स्टार्टर हमारा है डी, है ना, डी से स्टार्ट होगा हमारा जो सेंटेंस है, पूरा का पूरा जो पैसेज है वो आपका डी से स्टार्ट होने वाला है। अब डी में क्या है, देखो सी तो दिया नहीं है लेकिन बट है, तो बट कंजंक्शन है, और वैसे भी आपका सी स्टार्टर नहीं होगा। अब देखो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, एन थॉमसन की बात हो रही है, ये है वो लड़की, ठीक है, नहीं वो लड़की नहीं, कोई और है, ठीक है, एन थॉमसन की बात हो रही है। देखो एन थॉमसन वॉज गोइंग टू मेक हर प्रैक्टिस स्की रन बिफोर लंच, अब ये जो लड़की है ये तो अननोन है, लेकिन यहाँ पे कोई और है, हो सकता है कौन, एन थॉमसन, ये एन थॉमसन जो है उसका कोच हो सकता है, उनके टीचर हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो समझो, एन थॉमसन जो है वॉज गोइंग टू मेक हर प्रैक्टिस, वो उसको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं,
समझना, एन थॉमसन थॉमसन जो है वो उस लड़की को, जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया है, वो उस लड़की को प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। क्या, किस चीज की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं? गोइंग टू मेक हर प्रैक्टिस स्की रन बिफोर लंच। कि वो कब करवाने वाले हैं स्की जो होता है ना, बर्फ पे, जो एक गेम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं बर्फ पे फिसलने पे, वो उसकी प्रैक्टिस करवाने वाले हैं कब? लंच के पहले, है ना। तो चाहे इसका नाम नहीं दिया लेकिन एन थॉमसन का तो दिया है ना, मतलब सब्जेक्ट तो हमारे पास है, सब्जेक्ट तो है जो कि एक नाउन है, और वो उस लड़की के कोच है एक तरह से, कि एन थॉमसन जो है वो क्या करने जाने वाले हैं उस लड़की को, उसको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं क्या? स्की रन की, लंच के पहले। तो डी हमारा स्टार्टर है। अब हमको क्या डिसाइड करना है, या तो डी सी होना चाहिए या डी ए होना चाहिए। देख लेते हैं, डी सी होगा या फिर डी ए आपका होने वाला है। तो देखो, डी तो हो गया, सी क्या है हमारा, बट देखो जॉन, ये थॉमसन जो है उसको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं कब? लंच के पहले। लेकिन अब यहाँ करवाने वाले, ये कुछ अपोजिट बात हो जाएगी, बट शी डिडंट नो हाउ इट वुड बी हर लास्ट रन एवर। लेकिन उसको नहीं पता, देखो ये प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, शी डिडंट नो हाउ इट वुड बी हर लास्ट रन एवर, तो उसको ये नहीं पता कि ये उसका लास्ट रन कभी कैसे हो सकता है। ठीक है, ये तो मुझे नहीं लगता कि होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो वो केवल किसकी बात कर रहे हैं, मात्र उसको सिखाने की बात हो रही है, उसको प्रैक्टिस करवाने की बात हो रही है। और इसको पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरी फाइनल कोई सा मैच हो, फाइनल कोई कॉम्पिटिशन हो, है ना, इस तरह का सेंस आ रहा है। तुम ये हमारा पेयरिंग जो है नहीं बन पा रहा है। चलिए, तो डी ए को हम लोग ट्राई करते हैं। डी ए का पेयर हो रहा है कि आपका, देखो क्या लिखा है, ये तो क्लियर हो गया, एन थॉमसन जो है वो इसको स्की रन की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं लंच के पहले। अब ए देखो, प्रैक्टिसिंग हार्ड, देखो ध्यान देना, प्रैक्टिसिंग हार्ड शी होप्ड टू विन एन ओलंपिक मेडल समडे। ये बिल्कुल हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ना बात किसकी हो रही है, प्रैक्टिस करवाने की, भाई यहाँ पर वो उसको प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। और उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए कि मेहनत करने पे या हार्ड प्रैक्टिस करने से क्या होगा, कि उसको उम्मीद है कि एक दिन जो है वो क्या होगी, किसी दिन वो ओलंपिक का मेडल लेकर आ जाएगी। इसका मतलब 100% आपका जो है डी ए का पेयरिंग आपका मिल गया, मतलब सी वाला आपका एब्सोल्युटली राइट और ए आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से, इस अप्रोच के साथ आप लोगों को क्वेश्चंस करना है। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि ये प्रैक्टिस करवाने वाले हैं और हार्ड प्रैक्टिस से क्या होगा, उसको उम्मीद है कि वो ओलंपिक का मेडल लेकर आ जाएगी। उसके बाद देखो क्या है, सी वाला, बट शी डिडंट नो इट वुड बी हर लास्ट रन, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये जो है उसकी एक आखिरी दौड़ है। क्या कारण है? एज शी स्पेड डाउन, की जैसे ही वो प्रैक्टिस वहां पर कर रही थी स्लोप के थ्रू, शी हैड अ टेरिबल एक्सीडेंट, उसका जो है एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया। ठीक, तो ये हमारा सी वाला राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें एक सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, एक स्पेलिंग जो है आपकी रॉन्ग है, बाकी तीन स्पेलिंग्स आपकी बिल्कुल राइट है। ठीक है, थ्री स्पेलिंग्स आपकी राइट है और एक स्पेलिंग रॉन्ग है। ठीक है, मिशनरी स्पेलिंग राइट, ठीक है, राइट नहीं लगाएंगे हम, मिशनरी की जो स्पेलिंग है आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो ये मिशनरी राइट, ज्वेलरी की स्पेलिंग एल ई आता है राइट, हेरिडिटरी इसकी स्पेलिंग गलत है, इसमें ई एल ई एम ई एन टी ए आर आई है ना, एलिमेंट्री का मतलब होता है प्राइमरी, प्राइमरी क्लासेस जो होती है ना उसको एलिमेंट्री कहते हैं। ठीक है ना, प्राइमरी होता है मिशनरी, जो लोग मिशन होते हैं जो क्रिश्चियन चर्च से रिलेटेड होते हैं वो सब, हेरिडिटरी मतलब जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास होती, खानदानी जिसको बोलते हैं, ठीक है, पुश्तैनी इस तरह से। तो ये हमारा जो है रॉन्ग स्पेलिंग वाला ऑप्शन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, इसके अंदर इसमें जो है आपको ये पार्ट अंडरलाइन है, इसमें हमको देखना है कि इसमें कुछ एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए देखते हैं, ऑफ रामा एंड उषा, ये दो लोगों की बात हो रही है, किस किस की, रामा और उषा। तो ऑफ रामा एंड उषा द लेटर इज
द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल। अच्छा, तो अब ये लेटर वर्ड है और एक और लेटर होता है, दो लेटर होते हैं है ना, एक तो एल ए टी ई आर ये वाला है ना, एक होता है एल ई डबल टी ई आर ये वाला, और एक होता है एल ए टी टी ई आर, ठीक है। लेकिन तीनों का जो मतलब है वो अलग अलग होता है, ठीक है। लेटर का मतलब होता है, एक लेटर का मतलब होता है बाद में, ठीक है, बाद में मतलब इन फ्यूचर, जब हम भविष्य की बात करें, आगे की बात करें है ना, आगे आगे के लिए बाद में। और एक लेटर का मतलब होता है पत्र, एक लेटर का क्या मतलब होता है, पत्र। और ये लेटर का मतलब होता है पहले वाला, क्या मतलब होता है, पहले वाला, ठीक है, मतलब कोई पास्ट वाला, पहले वाला, फर्स्ट वाला, या उसको बोल सकते हैं फर्स्ट वन, है ना, बिल्कुल इस तरीके से। तो अगर हम इसको पढ़ें तो राम और उषा में से, ये दोनों में से अगर किसी को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ क्या बोला जा रहा है कि द लेटर, लेटर मतलब आगे वाला, तो ये स्पेलिंग तो आपकी रॉन्ग हो गई, ये तो होगा नहीं, क्या होगा, एल ए डबल टी ई आर ये वाला होगा, है ना, पिछला वाला। पिछला मतलब किसकी बात हो रही है, राम की बात हो रही है, रामा की बात हो रही है। राम इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, राम जो है इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, है ना। अब देखो ऑफ, देखो दोस्तों मोस्ट कब यूज करते हैं, है ना, जब हम कंपेयर करें वन, देखो मोस्ट कब यूज करते हैं, मोस्ट आपका जो है ना सुपरलेटिव डिग्री का होता है, कौन सी डिग्री का, सुपरलेटिव डिग्री का आप में हम लोग यूज करते हैं। और सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल कब करते हैं, जब जब हम किसी एक को, जब हम किसी वन को सभी से कंपेयर करते हैं, वन विथ ऑल, जब एक की कंपैरिजन किससे की जाती है, सभी से, मतलब एक तरफ एक होता है और दूसरी तरफ जो है ऑल, सभी होते हैं, उस कंडीशन में हम लोग जो है क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये वन विथ ऑल की कंपैरिजन हो गई तो सुपरलेटिव, और अगर हम वन को, वन को किसी दूसरे से, वन विथ अनादर, किसी और से कंपेयर करवा रहे हैं, तो उस केस में जो है ये आपकी कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी, ठीक है ना, कौन सी हो जाएगी, कंपैरेटिव हो जाएगी। इसका मतलब वहां पे हम क्या यूज करते हैं, मोर यूज करते हैं, क्या करते हैं, मोर करते हैं, और जहां जरूरत लगती है वहां पर देन, देन भी लगाते हैं, मोर देन, ठीक। तो यहां पर जो है राम और उषा है ना, ये वन और ये वन, दो लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो राम एंड उषा, द लेटर पहले वाला जो है इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल, नहीं है, क्या होगा, इज मोर रिस्पॉन्सिबल, इज द मोर रिस्पॉन्सिबल। तो ये मोस्ट भी आपका गलत हो गया, यहां पर जो है आपका मोर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर कंपैरिजन हो रही है और केवल दो लोगों के बीच में हो रही है, ठीक है ना, दो लोगों के बीच में हो रही है। तो ये हमारा जो है राइट हो जाएगा, कौन सा, द लेटर इज द मोर रिस्पॉन्सिबल। क्या इसका मतलब है हिंदी में, कि राम और उषा में से जो है पहले वाला जो है वो ज्यादा जिम्मेदार है, ठीक है, सबसे ज्यादा जिम्मेदार, इस तरीके से नहीं, कि राम और उषा में से पहले वाला जो व्यक्ति है वो ज्यादा जिम्मेदार है, ठीक, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये आपका जो है ईडियम है, क्या लिखा है, टू ग्रीस द पाम। अब दोस्तों पाम हाथों में क्या लगाना, ग्रीस लगाना, मतलब हाथ जो है एकदम चिकने कर लेना, तो उससे कोई मीनिंग नहीं आएगा आपको, इसका ईडियम का मीनिंग एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। टू गिव सपोर्ट आपको लगेगा, वो भी हो सकता है, किसी को चीट करना है ना, वो भी हो सकता है, मैसेज देना, मसाज देना है ना, तो यहाँ किसी मसाज देने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी को रिश्वत देने की बात हो रही है। टू ग्रीस द पाम है ना, यहाँ पे क्या होता है, हथेली गर्म करना है ना, एक तरह से हथेली गर्म करना, हाथ सेकना, तो हाथ सेकने का यहाँ पर मतलब वही होता है आपका, कि किसी को रिश्वत देना, ठीक है, तो ये रिश्वत देने वाली बात हो रही है। टू ब्राइब समवन, बिल्कुल आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, दिमाग में इसको बिठा लो, ग्रीस द पाम मतलब किसी को रिश्वत देना, टू ब्राइब समवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंस का आपका क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक टेबल बना देते हैं, ये हो गया आपका डायरेक्ट और इधर हमारा आ गया इनडायरेक्ट।
ठीक है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और इसमें आप देखो कि कुछ इसके बेसिक रूल्स में बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो ये जो सेट टू है ये चेंज हो जाता है क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर बाहर जो होता है, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, ये कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। और जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, ये पूरा का पूरा जो आपका यहाँ तक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना, क्या कहा जाता है? रिपोर्टेड स्पीच। और क्यों कहा जाता है? देखो रिपोर्टिंग वर्ब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक वर्ब होता है ना, जो कि रिपोर्ट करता है ना, जो बताया बताने का काम करता है। और ये वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है, कुछ याद रखो कि ये अगर आपका पास्ट टेंस में है, जो 99% जो है आपका ये पास्ट में होता है, तो उसमें क्या करेंगे, अंदर का जो प्रेजेंट टेंस है वो बदल जाएगा पास्ट में। ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इफ रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट, ठीक है, अगर ये पास्ट में है तो इधर क्या हो जाएगा आपका, रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी, है ना, विल बी इन पास्ट, वो भी आपका जो है किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा, जो ऑलरेडी पास्ट है। अगर पहले से ही पास्ट है तो फिर वो पास्ट का जो है वो आपका फिर बन जाएगा पास्ट का परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट आपका वो चेंज हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, तो यहाँ पर सेट टू हो गया, तो देखो वेयर वर यू एट द टाइम ऑफ बर्गलरी, कि भाई वो जो जब बर्गलरी हो रही थी, चोरी हो रही थी, उस समय तुम कहाँ थे, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो सेट टू है, ये जो आपका सेट टू है ये चेंज हो जाएगा किसमें, आस्क्ड, सेट टू आपका बन जाएगा किसमें, आस्क्ड बन जाएगा। तो देखो सबसे पहले तो लॉयर, उसके बाद आस्क्ड, किससे पूछा ये भी देखना है, द अक्यूज, तो बर्गलर से नहीं पूछा है, अक्यूज से पूछा है तो अक्यूज्ड ही होगा। तो ये एक मिनट, सेट टू द अक्यूज्ड, अच्छा आस्क्ड द बर्गलर, अच्छा अक्यूज और बर्गलर जो है दोनों के दोनों एक ही है, ठीक है, अक्यूज मतलब इल्जाम, जिस पर इल्जाम लगाया हो, जो आरोपी है ना। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब हुआ क्या है, बर्गलरी हुई है ना, लूट मार हुई है, तो उस केस में भी वो अक्यूज जो पर्सन है वही बर्गलर हुआ, तो ये बर्गलर आपका सभी कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। डब्ल्यू एच वाले जो आपके वर्ड है, ठीक है ना, डब्ल्यू एच के जो वर्ड है वो वैसे ही रहेंगे, बस ये चेंज होगा कि आपका सब्जेक्ट जो है वो पहले हो जाएगा और वर्ब जो है वो बाद में आ जाएगा, ये इन दोनों की जो प्लेस है वो रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। यू ये इधर आ गया और वर्ब जो है इस साइड आ गया, और किससे बोला, बर्गलर से, तो यू का बन जाएगा ही, तो वेयर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, और ये आपका हो गया क्या, वर्ब हो गया, तो वेयर ही वॉज एट द टाइम ऑफ बर्गलरी, इसका मतलब हमारा फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट है, ठीक है। दैट यहाँ पर नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इफ जो है यहाँ पर, हाँ वेयर के बदले इफ लगाने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बर्गलर इफ ही वॉज नहीं आएगा, ठीक है। द लॉयर आक्स द बर्गलर वेयर वर, वर भी यहाँ पर नहीं होगा, यू, ये भी आपका रॉन्ग हो गया, मतलब हमारा जो है फर्स्ट वाला एब्सोल्युटली करेक्ट है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।